वो उसमें यह है कि जी गवर्नमेंट जो है 4 मिलियन टन गंदम इस साल इंपोर्ट कर रही है और 6 लाख टन चीनी इंपोर्ट कर रही है। सो रेट हुई है जो हम फिक्स किया है 89 रुपीज 50 पैसे उसका चीनी का, उसी रेट पे हम मार्केट में देंगे 89 रुपए 50 पैसे यही रेट है और इसी पे देंगे हम। दूसरा जो आटा है 1950 रुपए गंदम हम रिलीज कर रहे हैं और 1100 रुपए का 20 किलो आटा उसी पे हम देंगे। बाकी है कि 12.5 मिलियन चीनी 6 लाख टन और गंदम 4 मिलियन टन 40 लाख टन ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये दोनों बेसिकली हम दे रहे हैं। अभी हमने सूबों से पूछा कि आपको चीनी कितनी चाहिए तो वो लेने को तैयार नहीं है। अब उन्हें पाबंद कर रहे हैं कि उठाएं क्योंकि चीनी बर्ल मार्केट में मौजूद है, हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए ले रहे हैं। तो चूंकि सारों को मुआवरे खसूसी जमशेद इकबाल चीमा लाहौर। मुआवने खसूसी जमशेद चीमा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि 6 माह के लिए चीनी दरामद कर रहे हैं, मौजूदा रेट पर ही फराहम की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि घोटकी की तहसील उबाड़ो के नवाही इलाके मोटर पुल के करीब दौड़ा माइंस में नामालूम शख्स की लाश मिली है। लाश को गांव वालों ने पानी में उतरते देखा तो फौरन उबाड़ो पुलिस को इतला दी। उबाड़ो पुलिस ने मोटर पुल पर पहुंचकर लाश को गांव वालों की मदद से पानी से निकाला और एम्बुलेंस के जरिए मुतल्लिका अस्पताल पर मुंतकिल कर दिया, जहाँ लाश अभी तक कोई शनाख्त नहीं हो सकी। लाश 4-5 दिन पुरानी है और इतने दिन पानी में रहने की वजह से लाश की हालत बिल्कुल खस्ता बताई जा रही है। इस्लामाबाद में हुर्रियत रहनुमा कमल हयात ने अपने पैगाम में कहा कि जो लोग पैसे लेकर कश्मीर की आजादी की तहरीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनका हाल भी अशरफ गनी जैसा होगा, जिसने अपने लोगों के खून का सौदा किया। अशरफ गनी और उसके वजीरों के घर से मिलने वाली दौलत से अंदाजा कर सकते हैं कि उनके लिए अपना मुल्क एक किराए की दुकान थी जिसको लूट कर वो भाग गए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। के घर में से आज जो बिलियंस डॉलर्स मिले और सोना मिला, खुर्शीद दोस्तम के घर से बहुत ह्यूज अमाउंट मिली, इसी तरह अगर आप देखें अशरफ गनी बेशुमार डॉलर्स लेके चला गया। अमेरिका की आवाम और नेटो फौज में जो जो लोग शामिल थे पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज आपकी टेक्नोलॉजी का वो मजाक जो है वो अफ़गानिस्तान के रहने वाले लोग उड़ा रहे हैं, उनके वो किसी काम के नहीं हो, वो आपको बताना चाहते हैं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी ये बताना चाहते हैं कि जब आप अल्लाह पे तवक्कल करते हैं तो फिर आप लड़ते हैं। ये डॉलर सोना जो इन सब के घरों से मिला ये भी आपका साथ नहीं देता क्योंकि आप पेट के लालच के लिए सब कुछ करते हैं। यही बात मैं आज़ाद कश्मीर के रहने वाले वो तमाम लोग जो अपना पेट भरने के लिए मुसलमानों को कौम परस्ती की तरफ लगाते हैं, मैं उनसे सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आपके पेट के दोजख जो हैं कभी भी नहीं भर सकते क्योंकि आप इस दुनिया में भी जलालत सहेंगे, आने वाले वक्त में भी आपको जलालत मिलेगी और आखरत में भी, क्योंकि आप कश्मीरियों का खून जो यूरोप की गलियों में बेचते हैं और यहाँ पर आप दुकानदारी ही ये करते हैं, जितने भी आप देखें इलाके पाकिस्तान वाले भी हों चाहे वो खुद मुख्तार, इनके क्या कारोबार हैं? इनका कोई कारोबार नहीं है, इनका कारोबार सिर्फ ये है कि ये यहाँ पे आते हैं तो यहाँ वालों की गोद में बैठ जाते हैं, खुद मुख्तार वाले हैं तो वो यूरोप की गोद में जाके बैठ जाते हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? कभी सोचा कि कश्मीर की जो औरतें हैं उनके तो नाखून भी उतार देते हैं RSS के लोग। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ननकाना साहिब महकमे बल्दिया की नाहली की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब का मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी गलियों में दाखिल हो गया, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। ननकाना साहिब सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से गटरों का गंदा पानी शादबाग कॉलोनी और फरियाद कॉलोनी की गलियों में दाखिल हो चुका, जिससे गली जौहड़ का मंजर पेश कर रही है, जिससे शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने इल्जाम लगाया है कि महकमे बल्दिया को मुतअद्दिद बार दरख्वास्त की लेकिन बल्दिया का अमला सीवरेज सिस्टम को बहाल करने में नाकाम रहा। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
अहमदपुर शरकिया और ओट शरीफ के शहर भर में आए रोज डकैती और चोरी की वारदातें शहरी वारदातों को न रोकने की वजह से जागने पर मजबूर। गुज़िश्ता रात चोर नकब लगाकर मोटरसाइकिल शोरूम से 8 लाख मालियाती 5 मोटरसाइकिल ले उड़े। गुज़िश्ता रोज भी डाकू कोल्ड ड्रिंक एजेंसी पर असलहा के जोर पर 2 लाख डकैती करके फरार हो गए। आए रोज चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी रातों को जाकर गुजारने पर मजबूर हैं। शहरियों और कारोबारी तबका ने मुतालबा किया है कि पुलिस गश्त मौसर करके शहरियों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाए। मियांवाली में वाबड़ा का बेवा के साथ अनोखा जुल्म। एक बल्ब और एक पंखा बिजली का बिल 11,000 भेज दिया। बेवा की सिसकियां सातवें आसमान तक। दर्द और गुर्बत की आला हुकाम से दादरसी की अपील। वाबड़ा ने चापरी पर थल के करीब बेवा खातून को एक पंखे और एक लाइट का 11,055 रुपए बिल भेज दिया। खातून ने कहा कि छोटे यतीम बच्चे हैं, मुझे माहाना 8,000 रुपए पेंशन मिल रही है जिसमें घर का गुजारा चलाती हूँ, इतना बिल मैं कहाँ से अदा करूंगी। उसने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। वाजे रहे बेवा इंतहाई मुश्किल दिन गुजारने पर मजबूर है। फिरोजवाला काला खताई रोड पर दरियाए रावी से 40 साल नामालूम शख्स की लाश बरामद कर ली। रेस्क्यू 1122 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फिरोजवाला दनिया कानून काला खताई रोड पर दरियाए रावी से 40 साल शख्स की लाश बरामद हुई। लाश की शनाख्त मालूम ना हो सकी। रेस्क्यू 1122 मुरीदके की गोताखोर टीम ने लाश को दरिया से निकाल कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर जरूरी कार्रवाई करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद में खस्ता हाल घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर 65 साल खातून जान बहक हो गई। रेस्क्यू जराए ने बताया कि मकुआना बाईपास जड़ावाला रोड पर वाके मोहम्मद यूसुफ की 65 साल बीवी घर के कमरे में मौजूद थी। अचानक टीआर गार्ड से बनी खस्ता हाल छत जोरदार धमाके से जमीन बोस हो गई और महज यूसुफ की बीवी गुलाम फातिमा मलबे तले दबकर वाके की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मौका पर पहुंच गई और उन्होंने तवील जदोजहद के बाद खातून की लाश मलबे से निकाल कर वर्सा के हवाले कर दी। भक्कर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भक्कर में डॉक्टर की मुबैना गफलत के नतीजे में किडनी का मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। लवाहिकीन का एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर भक्कर ने सीईओ हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली। वर्सा ने मैयत अस्पताल इमरजेंसी के सामने रखकर एहतजाज किया। वर्सा का कहना था कि मुजफ्फर इकबाल नामी शख्स को गुज़िश्ता रोज गुर्दों में तकलीफ की वजह से अस्पताल लाया गया जहाँ डॉक्टर रियाज ने मरीज का बरवक्त डायलिसिस नहीं किया। वर्सा के मुताबिक डॉक्टर रियाज को मुख्तलिफ डॉक्टरों ने भी डायलिसिस के लिए लिखकर भेजा। वर्सा ने इल्जाम लगाया कि मरीज को डॉक्टर की निजी क्लिनिक न ले जाने पर डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। वर्सा ने डिप्टी कमिश्नर भक्कर के सामने भी एहतजाजी मुजाहरा किया, डॉक्टर की बरतरफी का मुतालबा किया जिस पर डिप्टी कमिश्नर भक्कर सईद मूसा रजा से सीईओ हेल्थ डॉक्टर सलमान को इंक्वायरी करके अहकाम जारी कर दिए गए। डीसी भक्कर ने हिदायत जारी की है कि डॉक्टर की मुबैना गफलत के खिलाफ इंक्वायरी करके जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। उनका कहना था कि मरीजों की निगहदाश्त में कतई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पतोकी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी में एमएस पतोकी फारूक हैदर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ पतोकी डॉक्टर फैसल नजीर ने बच्चों को कतरे पिलाकर 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पतोकी इस मौका पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ पतोकी डॉक्टर फैसल नजीर ने मीडिया को बताया कि तहसील पतोकी में पोलियो की वैक्सीनेशन के कतरे पिलाने के लिए 493 टीमें तश्कील दी गई हैं। टीमें फूलनगर हबीबाबाद हिलासराय मुगल जंबर और पतोकी में 5 साल की उम्र के बच्चों को 1,44,859 बच्चों को घर घर जाकर कतले पिलाएंगी। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की है कि शहरी हजरात पोलियो टीमों के साथ तआवुन करें और मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब रजिस्टर पतोकी तनवीर चौधरी जनरल सेक्रेटरी नवीद भट्टी समेत दीगर मौका पर मौजूद थे। हुजरा शाह मुकीम के शहरी मुर्दा भैंस का हराम गोश्त खाने से बच गए। वेटरनरी डॉक्टर और पुलिस ने मुलजिमान रंगे हाथों पकड़ लिए, कार्रवाई जारी। हुजरा शाह मुकीम में हवेली रोड के मुबैना किसान जुनेद और राजा मोटरसाइकिल पर लोड करके मुर्दा भैंस का हराम गोश्त दुकान पर ले जा रहे थे। मुखबर की इतला पर वेटरनरी डॉक्टर पुलिस के हमरा पहुंच गया जिससे 320 किलोग्राम गोश्त को हराम करार देते हुए इस्तगासा पुलिस ने हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों लड़कों को हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया।
हुकूमत की जानिब से बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों को शहर ने मुस्तरद कर दिया और बढ़ाई गई कीमतें वापस लेने का मुतालबा किया है। इस वक्त चूनिया से हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफूर अंजुम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी अब्दुल गफूर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। मसनूआत में एक बार फिर इजाफा हो चुका है। गवर्नमेंट की जानब से आवाम पर 5 रुपए पेट्रोल में इजाफा करके महंगाई में मजीद इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से हम जानते हैं, मेरे साथ कुछ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, मजीद हम इनसे जानते हैं तो पेट्रोल की मसनूआत में इजाफे के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी हम हुकूमत की जानब से ये जो उन्होंने 5 रुपए इजाफा किया है पेट्रोल के ऊपर, हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये अपना फ़ैसला वापस लें। जब इन्होंने कीमतें बढ़ानी होती है 5 रुपया 10 रुपया बढ़ाते हैं, लेकिन जब काम करनी होती है 30 पैसे या 1 रुपया, हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। इस वज़ीर आज़म साहब हैं, इसको अपने फ़ैसले को वापस लें और हमें सुख की रोज़ी कमानी दें। आपने शहरी के तासरा जा रहे हैं, उनका कहना था कि हुकूमत की जानब से जब पेट्रोल की मसनूआत में कमी की जाती है तो पैसों के हिसाब से की जाती है, जब इजाफा किया जाता है तो 5 रुपए तक इजाफा किया जाता है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है खुदारा आवाम के हाल पर रहम किया जाए, उनके मुँह से 2 वक्त का नवाला तो ना छीने। उन्होंने ये हुकूमत की तरफ से जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए इजाफा हुआ है। शहरी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। जी अब्दुल गफूर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि उकाड़ा मंडी अहमदाबाद पुलिस की मंशियात फरोशों और गदागरों के खिलाफ कार्रवाइयां, 2 शराब फरोश गिरफ्तार, भारी मकदार में शराब भी बरामद कर ली गई। शराब फरोश मोहम्मद तुफैल और नवीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस ने गदागर मुख्तार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया, मुलजिमान को जेल भिजवा दिया। पकड़ी गई शराब पुलिस ने कब्जा में ले ली। कार्रवाइयां DPO फैसल शहजाद और DSP शबीर वड़ा की हिदायत पर की गई। बात करते हैं जिद्दत की दुनिया की। पाकिस्तान में पहली बार सिलिकॉन वैली की तर्ज पर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनाने का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत लाहौर में टेकपुरा के नाम से स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनाएगी, जिसके जरिए पंजाब के IT के मामलात को बेहतर बनाया जाएगा। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन से नौजवानों, कारोबारी शख्सियात और हुकूमती मामलात को भी मरबूत किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनाने के लिए कंसल्टेंट की खिदमात लेने का फैसला कर लिया, जो टेक्नोलॉजी जोन बनाने से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब करेगा। पंजाब हुकूमत ने मंसूबों के लिए इब्तदाई तौर पर 25 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए। अमरीकी कंपनी एक्सोन इंटेलिजेंस का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने उनकी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया और उसकी विंडोज को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। अमरीकी कंपनी के CEO लोगान ब्राउन का कहना है कि भारतीय सरकारी हुकाम या कॉन्ट्रैक्टर ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देने के लिए डीप एक्सेस वाली फीड को मुख्तस करके उसे बदनीयती पर मबनी तरीके से इस्तेमाल किया, जिस पर भारत को अप्रैल में न्यू जीरो कंपनी की तरफ से डे रिसर्च खरीदारी से रोक दिया गया। कंपनी के काबिल कदर कोड के दीगर ममालिक को लीक किए जाने से मुतालिक भी तहकीकात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का भारत की जानिब से गलत इस्तेमाल काबिल कबूल रवैयों की हद से बाहर है। हम भारतीय इकदाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। खबरें शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया से। कोरिया और चीन के सरमायाकारों ने स्टील मिल्स में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। वजीर निजकारी का कहना है कि सरमायाकारों की स्टील मिल्स में दिलचस्पी नहायत हौसला अफजा है। वजीर निजकारी मोहम्मद मियां सोमरो की जेर सदारत स्टील मिल्स शोज का स्टील मिल्स बहाली के लिए सरमायाकारों से मीटिंग्स का सिलसिला 5वें रोज भी जारी रहा। कोरिया और चीन के सरमायाकारों ने तकरीब में शिरकत की। कोरिया और चीन के सरमायाकारों ने स्टील मिल्स में दिलचस्पी का इजहार किया। सरमायाकारों की स्टील मिल्स में दिलचस्पी निहायत हौसला अफजा है। वजीर आजम स्टील मिल्स की बहाली से मुतालिक आगाह हैं। बेहतरीन सरमायाकारी फिक्शन मरहले में दाखिल हो गई। पाकिस्तान स्टील मिल्स 23 सितंबर तक मतवक्के हैं और रोजाना की बुनियाद पर इजलास जारी है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में होने वाली कमी के असरात मुमलिकत की मंडी पर मरतब हुए। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में जुमा के रोज सोने की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता जुमा के दिन मुमलिकत में 24 के रात वाले 1 ग्राम सोने की कीमत 211.35 रियाल रही, जबकि 21 के रात के 1 ग्राम सोने की कीमत 184.93 रियाल रही।
18 कैरेट वाले 1 ग्राम सोना 158.51 रियाल में फरोख्त हुआ, जबकि 14 कैरेट वाला सोना 123.29 रियाल फी ग्राम के हिसाब से फरोख्त किया गया। एक ओंस की कीमत 6577.50 रियाल रही, जबकि सोने का पाउंड जबकि 14709.64 रियाल में फरोख्त किया गया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने उमर शरीफ को बैरूनी मुल्क भेजने से मुतालिक तफसीलात बता दी। मुर्तजा वहाब ने कहा कि उमर शरीफ की फैमिली के वीजों का मामला हल हो गया, इम्कान है कि 24 से 36 घंटों में एयर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। उमर शरीफ के अहले खाना की ख्वाहिश के मुताबिक तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। एयर एम्बुलेंस के हुसूल से मुतालिक दस्तावेजात मुकम्मल की जा रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए तुम न्यूज़।